हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भी भेजा। पिछले 14 वर्षों से सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का कार्य कर रहे हजारों कार्यकर्ता सरकार से न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। साथ ही मिड डे मील वर्करों को धारीदार बनाने, वर्कलोड करने के लिए पॉलिसी बनाए जाने की भी पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही है। इसी के चलते मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन के बैनर तले मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मिड डे मील वर्कर्स ने 10 माह के बजाय 12 माह का वेतन दिए जाने की मांग उठाई है। साथ ही सेवानिवृत्ति के उपरांत मिड डे मील वर्करों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की भी यूनियन ने सरकार से मांग की है। वहीं प्रदर्शन पर उतरे यूनियन के कार्यकर्ताओं ने युक्तिकरण के तहत बंद किए जा रहे स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्करों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने की मांग भी उठाई है। इस अवसर पर प्रदर्शन पर उतरे मिड डे मील कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिट्टू के जिला सचिव गुरदास वर्मा ने कहा कि मिड डे मील कार्यकर्ताओं को छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इनके लिए सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, जिसकी वजह से इन मिड डे मील कार्यकर्ताओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि मिड डे मील वर्करों की पूरे प्रदेश में 23,000 से भी अधिक संख्या है, जो कि स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने का पिछले 14 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के जिला सचिव संतोष कुमारी, उप प्रधान चिंताराम, सह सचिव सत्यादेवी, कोषाध्यक्ष रीना देवी और वरिष्ठ उप प्रधान चमन लाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जो हमारा ये 24 घंटे का जो प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, ये जो मिड डे मील वर्कर्स की पिछले 14 साल से हमारी मांग है कि इनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, इन्हें छुट्टियों का प्रावधान किया जाए और इसके अंदर ज़्यादातर महिलाएं काम करती है, 80% महिलाएं इस जिला के अंदर काम कर रही है, तो उन्हें जो प्रसूति अवकाश है वो 6 माह का हो और किसी भी मिड डे मील वर्कर्स को जो है इसमें छुट्टी का प्रावधान नहीं है। अब तो सरकार ने वो 25 बच्चों वाली शर्त ला दी है कि 25 से कम अगर बच्चे होंगे तो उसमें एक ही कार्यकर्ता रहेगी, लेकिन अगर एक कार्यकर्ता के उसके घर में कोई काम हो तो उसे छुट्टी का इंतजाम नहीं है, जिसमें शिक्षा विभाग ये बोलता है कि खिचड़ी नहीं बंद होनी चाहिए, खाना बच्चों के लिए बढ़ना चाहिए, तुम दूसरा कोई दिहाड़ी पे भेज दो। और इसलिए ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर है सबसे कम जो है यहाँ पे मिड डे मील वर्करों को जो है वेतन मिलता है, जिससे इनके घर परिवार में के पालन पोषण के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है ये शोषण सरकारें कर रही है। तो हम इससे पहले भी प्रधानमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने इस आंदोलन को शुरू किया है ये अभी जिला स्तर के ऊपर किया जा रहा है, इसके बाद हम अगला चरण जो है स्टेट लेवल के अंदर करेंगे। हो सकता है हम वहाँ महापड़ाव डालें, 7 दिन 10 दिन का महापड़ाव हो सकता है, और 5 सितंबर को हम मांगों को लेकर जो है दिल्ली संसद भवन का घेराव करने जा रहे हैं। और हमारे की तो 15 साल और 14 साल की उम्र से जो आ रही है, 15 साल से 23 सितंबर से होने जा रही है, लेकिन हमारी जो शिक्षा सरकार ने 1000 रुपये से अभी 1500 की 1500 में भी खड़ा हो रहे हैं, लेकिन होने भी तो 1800 रुपये से भी हमारा क्या बनता है। सरकार हमारे बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रही है, क्योंकि हमारा तो 1 महीने का खर्चा भी निकल जा रहा है। अगर हमारा बच्चा कॉलेज में जाएगा तो 1800 रुपये से हम बच्चे का खर्चा करेंगे या खुद अपना खर्चा करेंगे। सरकार हमारे बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रही है। अगर हमारे को घर में कोई प्रॉब्लम हो, छुट्टियाँ लेना पड़े तो टीचर बोलते हैं कि आप कोई भी बंदा घर से भेजो, हमारे को खाना पड़ना चाहिए। तो कैसी सरकार है हमारे बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रही है, क्योंकि हम पूरी लेडीजें मिड डे मील में बस काम कर रही है और हमारे बारे में बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।